वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और कमाल के वीडियो में। सो गाइस, ड्रीम क्रिकेट 24 का मेगा अपडेट लॉन्च हो गया है एंड इस अपडेट के बाद गेम का नेम चेंज होकर DC 25 हो गया गाइस। तो हो सकता है कि इस अपडेट में काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, तो किस तरीके का ये अपडेट होने वाला है, कौन कौन से न्यू फीचर्स हमें इस अपडेट में देखने को मिले हैं, सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो गेम को मैंने अपडेट कर लिया है एंड जैसे ही गेम को ओपन किया लॉगिन रिवॉर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले लॉगिन रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे मुझे शायद एक प्लेयर मिला है। तो प्लेयर का एनिमेशन आप लोग देख सकते हो, जो एंट्री होती है उसका एनिमेशन देख सकते हो। तो ये तो सेम पहले भी हमें इस पिछले अपडेट में देखने को मिल गया था, तो ये उतना कुछ खास हाइलाइटेड फीचर नहीं होने वाला है। एंड इसके अलावा गाइस देखें तो सेम वही इंटरफेस देखने को मिल रहा है, डेली लॉगिन रिवॉर्ड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं एंड साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो सेम वही सेटिंग्स में हिंदी सेम चीज़ें देखने को मिल रही है, बस कॉमेंट्री में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉमेंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। तो जतिन सप्रू की न्यू कॉमेंट्री एड हुई है, तो वो एक बड़ा चेंजेस देखने को मिला है गेम में। एंड इसके अलावा गाइस इवेंट्स में जाकर आप लोग देखोगे तो सुपर स्मैश लेजेंड्स लीग, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंडियन T20 लीग, ये सारी चीज़ें पहले भी आपको देखने को मिलती थी। एंड अगर इंडियन T20 लीग में जाकर देखोगे तो आप अपनी टीम खुद से सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। एंड इसके अलावा गाइस मल्टीप्लेयर में आप लोग चाहो तो अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो एंड ड्रीम लीग टूर्नामेंट ऐड हुआ है, तो इसमें भी आप प्ले कर सकते हो इस टूर्नामेंट में एंड अपनी टीम भी आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ गाइस सबसे पहले हम लोग क्विक मैच खेल के देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो इंटरनेशनल, उसके साथ साथ सुपर स्मैश और उसके अलावा लेजेंड्स लीग एंड IPL वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। हम सबसे पहले अपनी एक टीम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्विक मैच में अपनी खुद से टीम सिलेक्ट कर सकते हो एंड अपने अपोनेंट की भी टीम सिलेक्ट कर सकते हो। बात करें अगर स्टेडियम्स की तो हमें कोलकाता और मुंबई का स्टेडियम देखने को मिलता है एंड इसके अलावा बाकी सारे स्टेडियम कमिंग सून है भाई। तो कोई भी न्यू स्टेडियम इस अपडेट में ऐड नहीं हुआ है, तो फिर पता नहीं भाई किस एंगल से ये इस अपडेट को मेगा अपडेट बोल रहे हैं। और सेम वही हम लोगों को कटसिंस वगैरह देखने को मिल रहे हैं, टॉस वगैरह सारी चीज़ें सेम जर्सी है भाई, जर्सीज में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है बट उतना मेजर इंप्रूवमेंट भी देखने को नहीं मिल रहा है एंड सेम वही कटसिंस वगैरह सेम ओवरलेस हमें देखने को मिल रहे हैं और बैट्समैन का भी सेम वही एनिमेशन वगैरह। एंड बात करें कंट्रोल्स की गाइस, तो कंट्रोल्स भी वही सेम हमें देखने को मिल रहे हैं एंड स्कोरबोर्ड ओवरले भी वही क्लासिक बहुत ही सिंपल सा स्कोरबोर्ड ओवरले देखने को मिल रहा है जो कि पहले भी अवेलेबल था। तो इस अपडेट में स्कोरबोर्ड ओवरले को भी चेंज नहीं किया गया है एंड ना ही कंट्रोल्स को चेंज किया गया है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग फेली गेंद डाल के देख लेते हैं। रिवर्स स्वीप खेला है बैट्समैन ने और यहाँ पे एक रन लिया है AI ने। एंड गाइस इन सब के अलावा मैनुअल फील्डिंग का ऑप्शन ऐड हुआ है, तो ये एक सिंपल सा फीचर है जो कि किसी भी गेम में होना ही चाहिए। तो अब से आप इस गेम में खुद की फील्डिंग सेटअप कर सकते हो एंड विकेट्स वगैरह ले सकते हो। तो इसके लिए भी कोई उतनी हाईलाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं ऑटो प्ले करके देखने वाला हूँ कि हमें बैटिंग करते टाइम किस तरीके से कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, क्या कुछ चेंजेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेम वही कर्से देखने को मिल रहे हैं जो कि बैट्समैन इंटर करते हैं वगैरह, और सेम ओवरले है गाइस और कंट्रोल भी वही सेम के सेम ही है, कोई भी चेंज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और पहली गेंद पर 6 लगा दिया है, तो इजी डिफिकल्टी में मैंने ये मैच को लगाया था। और एक्शन रिप्लाई वगैरह भी वही सेम देखने को मिल रहा है, सेम कैमरा एंगल वगैरह देखने को मिल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे 6 डिस्टेंस मीटर वगैरह देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, तो यार मुझे तो कुछ खास लगा नहीं इस अपडेट में उतना कुछ मेजर, बस इन्होंने DC 24 के ही अपडेट को DC 25 बोल के चिपका दिया है। तो उतना कुछ खास बड़ा अपडेट था नहीं ये इस अपडेट में, कोई न्यू हम लोगों को एनिमेशंस देखने को नहीं मिले हैं, कोई न्यू स्टेडियम देखने को नहीं मिला है, ना ही न्यू ओवरले देखने को मिला है, ना ही न्यू टूर्नामेंट देखने को मिला है। बहुत ही सिंपल अपडेट था गाइस। ओके गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।